हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो कल हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे इसको सोल्व करना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी नोटबुक क्या कर लो, ओपन कर लो। ओके, चलिए ठीक है। आई थिंक आपको ये जो भी क्रैश कोर्स में रिवीजन चल रहा है अच्छे से रिवाइज हो रहा है होंगे सारे चैप्टर। ओके, और होपफुली एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। हमारी दिल से दुआ है कि आप सबके मार्क्स शानदार आए, बस आप अपनी मेहनत को कम मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप बायोलॉजी के बच्चे हो तो आपको ऑस्मोसिस के बारे में तो पता होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। किसका फ्लो है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स अगर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब जहां सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। मीन्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, लिख देता हूं मैं एक बार। इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी SPM, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। या फिर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, फ्लो कहां से होने वाला है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर फ्लो हो जाए, फ्लो फ्रॉम, फ्लो किसका, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। किससे, थ्रू, थ्रू क्या हो जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बायोलॉजी में आपने शायद ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमारे पास यहां पे टॉपिक क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम के थ्रू क्या है, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने सोलवेंट लिया है। सोलवेंट क्या लिया है, वाटर ले लिया हम लोगों ने। सॉल्वेंट क्या लिया इसके अंदर, वाटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो इस कंटेनर में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब हमने एक फ्लास्क ले लो एक तरह से, ठीक है, और उसका ये जो नीचे वाला साइड है, उस नीचे वाले साइड पे हमने क्या कर दिया, क्या लगा दिया यहां पे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने ले लिया क्या, ग्लूकोज सॉल्यूशन मान लो, या शुगर सॉल्यूशन हम लोगों ने ले लिया। शुगर सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि इस फ्लास्क में अब जो वाटर है वो क्या है, कम है, सॉल्वेंट कम है। ये हमने क्या ले लिया यहां पे, मान लो शुगर सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में वाटर कम हो गया एज कंपेयर टू द आउटसाइड। अब होगा क्या कि बाहर में जो वाटर है, जो सोलवेंट है, थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहां जाएगा, अंदर जाएगा, कहां जाएगा, अंदर जाएगा। और अंदर जाएगा तो मान लो ये इनिशियल लेवल था ये,
अब धीरे धीरे क्या होगा कि सॉल्वेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां पर जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, एक फोर्स एग्जर्ट होगी ना, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, तो ये लेवल यहां पे क्या हो जाने वाला है, इंक्रीज हो जाने वाला है, ये लेवल यहां पर क्या हो जाने वाला है, इंक्रीज। पहले मान लो ये लेवल इतना था, अब ये लेवल मान लो इतना है, तो ये जो डिफरेंस आया है, ये इतना हाइट का जो डिफरेंस आया है, ठीक है, ओके, तो ये क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक यानी ये प्रेशर वाटर ने लगाया है, सॉल्वेंट ने लगाया है, किसने लगाया है, सॉल्वेंट ने। मान लो ये हाइट कितनी थी, h। तो अब बात यह है कि अगर मैं यहां पर एक पिस्टन लगा दूं, यहां पर मैं क्या लगा दूं, एक पिस्टन लगा दूं, ताकि अब ये लेवल राइज ना हो और राइज ना हो, ठीक है, इसका मतलब हमने एक प्रेशर लगाया है, यहां पे हमने क्या लगाया, एक प्रेशर लगाया है टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये क्या हो रहा है, यहां पे ऑस्मोसिस हो रहा है, हमने यहां पे प्रेशर लगा दिया, किस लिए, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर मैं बोल दूं कि ये जो प्रेशर आया है इसका, वाटर का, जिससे सोल्यूशन का लेवल यहां से मान लो यहां तक आ गया, एक हाइट एच तक आ गया, तो ये कौन सा प्रेशर है, वाटर का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सो द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड हियर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब नॉर्मली हम लोग प्रेशर को किससे लिखते हैं, पी से, लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हम लोग यहां पर किससे लिखते हैं, पाई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पाई। तो ये यहां पर क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ पाई। तो पाई किसके इक्वल होगा, यहां पर मैथमेटिकली पाई होता है इक्वल टू एच डी जी, या फिर हम इसको क्या लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू एच रो जी। अब एच क्या है, एच ये हाइट है, ये जो इनिशियल लेवल था ये था फाइनल लेवल, तो ये जो हाइट रेज हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, एच। अब डी क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी को डी लिखो या रो लिखो एक ही बात। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्यों लेना पड़ा, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो लेवल इंक्रीज हो रहा है, ऊपर इंक्रीज हो रहा है ना, ग्रेविटी तो कहां है, नीचे, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमको जी तो लेना ही पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर जो पाई है वो किसके इक्वल आ जाता है, एच डी जी, या पाई इज इक्वल टू क्या जाता है, एच रो जी क्या जाता है, क्लियर है। अब बात यह है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो पाई है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर तो कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं आ रहा, लेकिन ये फॉर्मूला तो है पाई इज इक्वल टू एच डी जी, एच रो जी। तो अभी हमको प्रूव करना है दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो करेंगे प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, लेकिन वो गैस में लगती है, ये यहां पर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, तो इक्वेशन क्या है आपके पास, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब यहां पे पी क्या है, प्रेशर, लेकिन हम किस प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो पी को मैं यहां पर चेंज कर दूं किससे, पाई से। तो हमारे पास इस सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन क्या होगी, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, वी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल किसके होंगे, अंदर सॉल्यूट की तो होंगे, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन में आर क्या होता था, गैस कांस्टेंट, लेकिन हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो इस आर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट, वैल्यू वही है, लेकिन अब बोलने का तरीका क्या आ गया, वहां पर आइडियल गैस इक्वेशन में आर को बोलते थे गैस कांस्टेंट, यहां पर आर को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और टी आपका क्या है, टेम्परेचर है, इन कैलोरी कर लोगे। अब एक काम करो, ये जो वी है इसको यहां ले जाओ, तो क्या जाएगा, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इनटू में आरटी, पाई किसके इक्वल आ गया, एन अपॉन वी इनटू आरटी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने सॉल्यूशन में क्या डाला है, शुगर डाला है, तो शुगर के नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो भैया ये n by v आपका क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया ना, तो मैं इस n by v की जगह क्या लिखता हूं, मोलैरिटी, तो pi is equal to क्या आ गया, mRT, pi किसके इक्वल आ गया, mRT। अब देखो, मान लो ये जो ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस है, अगर आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हो, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
अगर इस पे हो रहा है मान, तो देखो R कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, T कांस्टेंट कर दिया हम लोगों ने, तो R और T दोनों कांस्टेंट हो गए, तो मैं क्या लिखूं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, या फिर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब एक चीज देखो यहां पे, ये एम क्या था, मोलरिटी, और वो क्या था, एन बाई वी, वो क्या था, एन बाई वी, इसका मतलब पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो देखो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डिपेंड करता है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ठीक है, समझ आया आप लोगों को। तो ये पाई किसके इक्वल आता है, एम आर टी, कहीं पे कहीं कहीं जगह पे इसको हम लोग ये भी लिख देते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब सी का मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, और हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिया है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, एक ही बात है, पाई इक्वल टू आपको सी आर टी बोले, और कहीं कहीं जगह पे इस आर को हम लोग वहां पे एस भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू सी एस टी। सी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, एस क्या हो गया, सोल्यूशन कॉन्स्टेंट, जैसे आर क्या था, गैस कॉन्स्टेंट, ओके, तो यहां पर ये सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो आर की जगह हमने क्या लिख दिया, एस लिख दिया, एस का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो अगर सीएसटी लिखा जाए तो घबराना नहीं है, आप सोचोगे कि सर आपने तो एमआरटी बताया था, तो यहां तो सीएसटी है, ठीक है, तो मोलैरिटी लिया यहां पे, और वो मोलैरिटी क्या, कॉन्सेंट्रेशन है, तो लिख दिया हमने कॉन्सेंट्रेशन, ये गैस कॉन्स्टेंट आर है, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन ले रहे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन कॉन्स्टेंट, तो सोल्यूशन का पहला लेटर क्या, एस, इसलिए उन्होंने कैपिटल एस लगा दिया, ठीक है, और टी टेम्परेचर तो है, तो pi is equal to CST बोलो, pi is equal to MRT बोलो, pi is equal to CRT बोलो, एक ही बात है, लेकिन ये pi किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहानी समझ गए, कर लोगे अच्छे से, बढ़े थोड़ा सा आगे, ठीक है, अब बात यह है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट तो पता लगा है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा, ठीक है, एग्जाम में पढ़ते, ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसके ऊपर, क्वेश्चन आएगा क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसके ऊपर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर, और कई क्वेश्चन आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर पहले भी आ चुके हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, इक्वल, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एक वॉल लगा दी, कौन सी वॉल लगाई हमने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, क्या लगा दी हमने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब यहां पर इस साइड में हमने एक सॉल्यूशन लिया, इस साइड में हमने एक सॉल्यूशन लिया, और इस सॉल्यूशन का जो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है, और इस साइड में हमने एक सॉल्यूशन लिया, और इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई टू, ठीक है। अगर पाई वन पाई टू के इक्वल हो जाए, इफ पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, ठीक है, तो क्या होगा कि यहां का सॉल्यूशन सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन के थ्रू यहां नहीं आएगा, यहां का यहां नहीं आएगा, क्यों, क्यों नहीं आएगा, वहां पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा, क्योंकि दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर ही सेम है, तो वहां पे ऑस्मोसिस नहीं होने वाला। तो टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जहां पर पाई वन इक्वल टू पाई टू हो जाए, तो वहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है, तो उसको सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नंबर टू टाइप का सॉल्यूशन आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये सब चीजें आप लोगों ने बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ा होगा, एक तो मैं बता रहा हूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक मैं आपको बता रहा हूं क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के बारे में जानते हो, आरबीसी के बारे में, ठीक है, कहते कि जो आरबीसी है, अगर इस आरबीसी को हम 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखते हैं, किसमें रखते हैं, 0.9%, ये क्या है, वेट बाय वॉल्यूम है, या फिर मैं इसको क्या बोलूं, मास बाय वॉल्यूम,
वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन में रखते हैं। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन है, इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं किसको, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है किसका, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का। अब बात यह है कि अगर हम लोग आरबीसी को एक सॉल्यूशन में रखते हैं, किसमें, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन में रखते हैं, तो यह सॉल्यूशन आरबीसी के लिए, आरबीसी के लिए क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। आरबीसी के लिए क्या होगा, आइसोटोनिक। तो क्या लिख दूं मैं, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद आरबीसी। मीन्स अगर हमको आरबीसी को प्रिजर्व रखना है तो हम किसमें रखते हैं, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में प्रिजर्व रखते हैं, यानी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग आरबीसी को एक सॉल्यूशन में रखें जिसका ये जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है 0.9 से ज्यादा हो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 0.9 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। भाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ए सॉल्यूशन हुज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज ग्रेटर देन किससे, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक सॉल्यूशन जिसका जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है उसका कितना से ज्यादा हो, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन से ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो ध्यान से कि अगर हम लोग आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो होगा क्या यार, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम अगर NaCl सॉल्यूशन से ज्यादा हुआ, इसका मतलब उसमें सोल्यूट ज्यादा हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या हुआ, ज्यादा हुआ। यानी सोल्यूट को मैं एक बार यहां पर NaCl ही ले लेता हूं, तो NaCl ज्यादा हुआ, जब NaCl ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो आरबीसी से बाहर क्या निकालेगा, NaCl क्या है, सोल्यूट है, अगर सोल्यूट ज्यादा है इसका मतलब सोलवेंट कम है, अगर सोलवेंट कम है तो अब आरबीसी है, आरबीसी के अंदर से फिर क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, वाटर सोलवेंट है ना। अगर आरबीसी को हम एक ऐसे सोल्यूशन में रख दे, सोल्यूशन कौन सा हो गया, आरबीसी को हम लोग क्या रख दे, एक ऐसे सोल्यूशन में रख दे, ठीक है, तो जहां पर क्या हो, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से ज्यादा हो कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, आरबीसी से वाटर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, आरबीसी से वाटर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर, और आरबीसी क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, ऑस्मोसिस। सिमिलरली हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सोल्यूशन जिसका जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन से क्या हो कम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब है, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, यहां टोनिक में किसको मानता हूं, सॉल्यूट को, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही कम होता है, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही कम होता है। मैं बोल दूं कि भैया डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्या है ये, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और हाइपरटोनिक, हाइपर यानी ज्यादा, टोनिक यानी सॉल्यूट, तो इसका मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल दूं, या फिर मैं बोल दूं क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहां जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड में जाते हैं, क्योंकि डाइल्यूट में सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है और कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आरबीसी है, अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, आरबीसी से वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है, वाटर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आरबीसी श्रिंक कर जाएगा। और यही आरबीसी को अगर हम लोग किसमें रखें, हम रखें किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा कि
वाटर आरबीसी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि बाहर वाटर क्या है ज्यादा है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और आरबीसी के अंदर इसके कंपैरेटिवली कम है, तो वाटर कहां जाएगा, आरबीसी के अंदर जाएगा, और आरबीसी के अंदर जाने से आरबीसी क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वेल और बस्ट आउट हो जाएगी, ठीक है, स्वेल्स और बस्ट आउट, कहानी समझ गए। सिमिलरली आप एक चीज देखो कि जो रेजिन्स होते हैं, चलो हिंदी में बोलते हैं किशमिश, आप किशमिश वगैरह खाते होंगे, मुनक्का, जो किशमिश होती है अगर उस किशमिश को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, अगर इस किशमिश को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा, अब किशमिश के अंदर वाटर कम है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो किशमिश क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है। और वही किशमिश को अगर हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो वो क्या हो जाएगी, वो तो और श्रिंक हो जाएगी, उसके अंदर जो कुछ बचा कुचा पानी भी होगा वो भी बाहर निकल जाएगा, कहानी समझ रहे हो ना। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो हम लोग क्या लेने गए, कैरेट्स लेने गए, तो जो कैरेट्स ताजा है, फ्रेश है, तो बिल्कुल टाइट दिखती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या लूज कर देती है, वाटर लूज कर देती है, ढीली हो जाती है, तो क्या करता है सब्जी वाला, उनके ऊपर पानी डालता रहता है, पानी डालने से क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, वाटर उस कैरेट के अंदर जाएगा और वापिस से वो क्या दिखेगी, फ्रेश दिखने लग जाती है। तो ये किसका रिजल्ट है, ऑस्मोसिस का ही तो रिजल्ट है, समझ गए कहानी। आई होप आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिफरेंस अच्छे से पता लग गया। अब हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो, मींस पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बताओ पाई किसके इक्वल होता है, एमआरटी, तो मैं लिख दू M1RT, टेम्परेचर मैंने सेम ले लिया, R वैसे ही सॉल्यूशन कांस्टेंट है, ओके, तो पाई 2 क्या हो जाएगा, M2RT, तो RT से RT कैंसिल हो गया, यानी M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2, या फिर मैं लिख दू क्या, C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2। अगर मान लो RT तो सेम है ना, अगर दो सॉल्यूशन है जिनमें कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता, अब ये डिसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन क्या है, ये भी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, किसमें, वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है दो, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, क्या होने वाला है, सेम, कहानी समझ आ गई। तो एक काम करते हैं, हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन पढ़ लेते हैं, और उसके बाद इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन है या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि कैसे करें हम लोग ये, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसके भी कुछ एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी आगे क्या पढ़े हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या चीज है, कैसे है, तो थोड़ा समझते हैं पहले, ओके। चलो देखो भैया बात क्या है, बात ये है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, हमने एक एग्जांपल लिया, क्या हमने लिया, NaCl, हमने क्या लिया, NaCl सॉल्यूशन ले लिया, ले लिया, कैसे लिया, कि प्योर सॉल्वेंट लिया था वाटर, और वाटर में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लो सोडियम क्लोराइड हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बन गया। अब मुझे एक बात बताओ कि सोडियम क्लोराइड का जो मोलर वेट है MW कितना होगा, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो टोटल कितना आ गया आपके पास, यह आ जाएगा 58.5। तो सोडियम क्लोराइड का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है, 58.5 U, और अगर इसको मैं मोलर वेट बोलूं तो कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम पर मोल, समझ के कहानी। अब देखो बात यह है कि NaCl है, मैं मान रहा हूं कि NaCl को जब पानी में डाला तो ये एक पार्टिकल है, ये NaCl ये क्या है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, कब मान रहा हूं, जब तक मेरे को यह नहीं पता था कि जो NaCl वाटर में डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट करेगा, तो मैंने इसको अज्यूम क्या किया, एक पार्टिकल, और उस एक पार्टिकल का मास मैंने कितना ले लिया, उसका मास कितना ले लिया,
58.5 यू ले लिया। लेकिन बाद में पता चला कि जब NaCl को वाटर में डिसोस हो क्या वाटर में ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होकर क्या देगा, NaCl है वो डिसोसिएट होकर क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस में Cl लगेगा। अब मेरे पास जो पहले एक पार्टिकल था अब वो कितने पार्टिकल हो गए, दो पार्टिकल हो गए मेरे पास। कितने हो गए, दो पार्टिकल्स हो गए। कोई बात नहीं, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। यहां क्या हो गया, यहां पे डिसोसिएशन। तो हमारे पास जो सोल्ट है वो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे NaCl डिसोसिएट हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल है, KCl है, MgCl2 है, CaCl2 है, Al2SO4 का थ्राइस है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं जब वाटर में ऐड किया जाता है। तो पहले मैं इसको एक पार्टिकल अज्यूम कर रहा था जिसका मैंने मॉलिक्यूलर वेट ले लिया था 58.5 यू यूनिफाइड मास या AMU। लेकिन अब बाद में पता लगा कि ये तो डिसोसिएट हो जाता है, एक पार्टिकल से क्या बन जाते हैं, दो पार्टिकल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दो पार्टिकल। चलो मान लो मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू में मोलैलिटी। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा था क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, एक लिख देता हूं, सिमिलरली डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू में क्या पढ़ा था, मोलैलिटी। अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था ना। अब देखो ध्यान से, अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो ये डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। अब वाटर के लिए केबी का वैल्यू कितना होता है, 0.52 होता है। वाटर के लिए केबी का वैल्यू कितना होता है, 0.52। ओके, इनटू में मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम है कि नहीं, ये तो होती है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मान लो कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वो हमारा सॉल्यूट क्या है, NaCl, मैंने उसका 1 मोल लिया, मैंने जो n सॉल्यूट है, इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना लिया मैंने, 1 मोल लिया है, मैंने 58.5 ग्राम लिया है, ठीक है, ओके। और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है यानी वाटर, मैंने वाटर क्या ले लिया, वाटर क्या ले लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो मैंने क्या ले लिया, 1 किलोग्राम ले लिया। क्या ले लिया, 1 किलोग्राम। उस कंडीशन में तो ये आपका डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.52 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में कितना है, 1 इनटू 1 बाय 1 यानी 1। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.52 आ जाएगी। डेल्टा टीबी आपके पास कितना आ गया, 0.52। और यूनिट क्या आ जाएंगे इसके, केल्विन। ये टेंपरेचर की यूनिट यहां पे क्या ले रहे हैं, केल्विन में ले रहे हैं। कब ले रहे हैं, कि जब मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं NaCl का, यानी 58.5 ग्राम ले रहा हूं पर मोल, समझ गए। अब देखो बाद में पता लगा कि तो डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर एक पार्टिकल आपको कितने पार्टिकल देता है, दो पार्टिकल देता है। क्या देता है, दो पार्टिकल। इसका मतलब अगर ये दो पार्टिकल है तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, 2 × 0.52 के हो जाएगा। अगर ये दो पार्टिकल, डबल हो जाएगा ना डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट डबल एलिवेट करेगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1.04 केल्विन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1.04 केल्विन। इसका मतलब क्या है कि जब डिसोसिएशन होता है तो जो डेल्टा टीबी है वो इंक्रीज हो जाएगा, और डेल्टा टीएफ है वो भी क्या हो जाएगा, पहले से डबल हो जाएगा। पहले से क्या हो जाएगा, ये डबल है। अब ये डबल होने का मतलब क्या हुआ, ये डबल होने का मतलब ये है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर ये डबल है तो गिवन मास बाय मोलर मास, चलो ऊपर लिखता हूं, डेल्टा टीबी क्या आ गया, डबल हो गया पहले से, ओके, डबल इनटू में ही आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यह आएगा डेल्टा इनटू के बी, इनटू में क्या लिख दूं, गिवन मास बाय में मोलर मास अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम। ये डेल्टा टीबी पहले से डबल हो गया, पहले से क्या हो गया, डबल हो गया। डबल होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एम है मोलर मास सॉल्यूट का, वो पहले से क्या हो गया, हाफ हो जाना चाहिए, पहले से कितना हो जाना चाहिए, हाफ। तो कहने का मतलब है कि जब एक सोल्ट है
वो डिसोशिएट करता है इनटू में आयंस। तो जैसे मान लो NaCl डिसोशिएट किया तो कितने पार्टिकल बने? दो। अगर दो पार्टिकल बने हैं तो अगर एक पार्टिकल का मास 58.5 है तो फिर अब दो पार्टिकल का मास होगा ये 58.5। अब ये मास कितना हो गया? डिसोशिएट हो गया ना, तो दो पार्टिकल का मास हो गया। तो एक पार्टिकल का मास कितना हुआ? एक पार्टिकल का मास हुआ मास ऑफ वन पार्टिकल, कितना आया? 58.5 अपॉन में 2। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 29.25। ठीक है, इसका मतलब कि जो मोलर मास जो पहले 58.5 था, अब वो मोलर मास पहले से क्या हो गया? कम हो गया। मोलर मास पहले से क्या हो गया? कम हो गया। कहानी समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है कि डिसोसिएशन पे मोलर मास पहले से कम दिखाई दे रहा। अगर यही कहानी आ जाए किसके ऊपर? एसोसिएशन के ऊपर आ जाए। कहानी मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर मान लो कहीं पे एसोसिएशन हो रहा हो, कैसे एसोसिएशन? मान लो आपके पास एसिटिक एसिड है या बेंजोइक एसिड है। मैं एसिटिक एसिड को ये लिख रहा हूं, ठीक है, ओके। दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर है CH3C(OOH). अब एसिटिक एसिड को जब बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो क्या हो जाता? डाइमराइजेशन हो जाता। क्या हो जाता? डाइमराइजेशन। क्यों? एसोसिएशन हो गया ना, वो क्या बनाता? डाइमर बनाता। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स अब एक हो गए। दो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? एक। यानी पहले दो पार्टिकल थे, अब वो डाइमराइज होके एसोसिएट होके एक पार्टिकल बन गया। अब दो पार्टिकल का मान लो मास कितना था पहले? 60 था। एसिटिक एसिड का अगर आप मोलर मास देखोगे 60 आएगा, लेकिन अब वो एक पार्टिकल बन गया दो से। दो पार्टिकल का मास 60+60 कितना हुआ? 120। अब वो एक पार्टिकल का मास है। अब एक पार्टिकल का मास होने का मतलब क्या हुआ कि जो मोलर वेट है वो पहले से डबल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। इसका मतलब एसोसिएशन पे जो मोलर वेट पहले से डबल आता है, डिसोसिएशन पे मोलर वेट पहले से क्या आता है? कम आता है, चाहे वो हाफ आए वन थर्ड आए, डिपेंड करेगा कि कितने पार्टिकल्स को डिसोसिएट हुआ। तो यहां पर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन में। अब हमारे लिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें? तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वैंकहॉफ। तो वैंकहॉफ ने इस कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको सोल्व करने के लिए एक फैक्टर दिया। और वो फैक्टर क्या है? उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं उस फैक्टर को? आई। वैसे आयोटा बोलते हैं, आयोटा मैथ वाले अच्छे से जानते होंगे, ओके। वैसे हम इसको क्या बोलते हैं? आई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैंकहॉफ फैक्टर। वैंकहॉफ फैक्टर। देखो कोई भी साइंटिस्ट है अगर कोई सिंबल देगा या कोई फैक्टर देगा तो अपना नाम तो लगाएगा ही लगाएगा। जैसे प्लैंक ने एच दिया तो 9 बोल दिया क्या? प्लैंक कॉन्स्टेंट। वैसे ही वैंकहॉफ ने ये फैक्टर दिया क्या? आई। तो नेम दे दिया क्या? वैंकहॉफ फैक्टर, ठीक है। तो ये फैक्टर दिया आई। अब कहते हैं कि ये जो आई है, ये जो आई है वो आई किसके इक्वल आता है? ये आता है क्या? नॉर्मल। नॉर्मल व्हाट? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन फिर क्या आएगा? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर यह आ जाएगा क्या? नॉर्मल मोलिक्यूलर मास। नॉर्मल मोलिक्यूलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मोलिक्यूलर मास समझते हो ना, कि ये जो डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में जो मोलिक्यूलर मास पहले से कम आ रहा है, यानी द डिक्रीज इन मोलिक्यूलर मास द और इंक्रीज इन मोलिक्यूलर मास, या फिर द डिक्रीज और इंक्रीज इन मोलिक्यूलर मास ड्यू टू डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज नोन एज एबनॉर्मल मोलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये आई क्या है? इट इज इक्वल टू नॉर्मल एबनॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मोलिक्यूलर मास, ठीक है। तो क्या होगा? ये आई है, हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आगे लगा देंगे। कैसे आगे लगाएंगे? देखो ध्यान से, इसको मिटा दो एक बार। हम ये कैसे लगाएंगे? देखो हमने सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी? पहले वाली हमने पढ़ी क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या थी? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और हमने वो बोला किसके इक्वल होता है? वो काई ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। हमने ये तो पढ़ा। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे? हम इसके आगे लगा देंगे एक फैक्टर, कौन सा? आई।
आई है वो अगर सोल्यूट डिसोशिएट हो या सोल्यूट क्या हो एसोशिएट हो, उसकी वजह से जो कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगी उसको बैलेंस कर देगा। क्या कर देगा उसको बैलेंस। ओके तो नंबर वन ये हो गया। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, डेल टी बी इज इक्वल टू क्या था के बी इंटू मोलैलिटी, यही था। तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे आई लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा जो कैलकुलेशन में एरर आएगी। तीसरी क्या थी डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या थी वही के एफ इंटू में मोलैलिटी। ओके आगे क्या लगा दिया आई लगा दिया, ये भी बैलेंस हो जाएगा। और चौथा कौन सा था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू एम आर टी, और हम लोग आगे क्या लगा देंगे आई लगा देंगे। ठीक है तो इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आगे अगर हम लोग वेंट होफ फैक्टर लगा दें तो ये वेंट होफ फैक्टर है जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के डिसोसिएट और एसोसिएट होने से जो उनके मॉलिक्यूलर मास में चेंज आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, उससे जो कैलकुलेशन में क्या आएगा डिफरेंस आएगा, जो एरर आएगी जो प्रॉब्लम आएगी उसको ये आई क्या कर देगा बैलेंस कर देगा और हमारा काम इजी हो जाएगा। कहानी समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैंने थ्योरी बताई आपको, अब ये आई किस पे डिपेंड करता है, ये डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा कब, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे डिपेंड करता है। तो आई का वेंट होफ फैक्टर का और डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशन है अभी हम लोग को पढ़ने वाले हैं। कहानी समझ गए तो एक बार इसको उतार लो और फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं रिलेशन इसके बारे में। मिटा दो, चलिए जब मैं बोलूं ना उतार लो तो एक बार वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए और जैसा आपको सही लगे उतार लीजिए। और हालांकि आप लोग तो रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में शायद आप लोगों ने पहले से पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वेंट होफ फैक्टर एंड देखो ध्यान से पहले क्या पढ़ने वाले हैं वेंट होफ फैक्टर। क्या होता है वेंट होफ फैक्टर आयोटा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या बोला डीओडी डीआईडी नहीं है डांस इंडिया डांस नहीं है क्या है डीओडी। क्या लिखे इसको अल्फा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं हम इसको अल्फा से। अब इसमें रिलेशन क्या है ठीक है पढ़ते हैं। मान लो आपका कोई सोल्यूट मॉलिक्यूल है मान लो ए, क्या है ए, जब वो डिसोसिएट हो जाता है तो कितने आइंस देगा बी देगा कितने एन, एन इज द नंबर ऑफ आइंस। जैसे मान लो कि आपके पास हो NaCl, NaCl डिसोसिएट होने के बाद Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, टोटल कितने आइंस दिए दो आइंस दिए, कितना आइंस दिए दो आइंस, तो N का वैल्यू कितना हो गया यहां पे टू हो गया। तो ये N है वो नंबर ऑफ आइंस बताता है ठीक है तो ओके तो ए क्या देगा डिसोसिएट होने के बाद एन भी देगा। अब जब टी जीरो था जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ जब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं तो मान लो ए के नंबर ऑफ मोल थे वन तो बी के नंबर ऑफ मोल कितने थे जीरो क्योंकि अभी तो डिसोसिएशन हुआ ही नहीं टाइम जीरो है। अब क्या लिखेंगे आफ्टर डिसोसिएशन अब मान लो कि ए डिसोसिएट हो गया कुछ एक्सटेंट तक, कितना एक्सटेंट कितना डिग्री अल्फा, अब वो अल्फा कितना हुआ इट कैन बी 10% 20% 50% 75% 80% 100% कुछ भी हो सकता है। तो इस अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं ठीक है। तो मान लो कि डिसोसिएशन के बाद कितना डिसोसिएशन हुआ अल्फा लेकिन कितने मोल है एन तो क्या हो जाएगा ये एन अल्फा। तो फिर ये कितना बचा ये बचा वन माइनस में आगे क्या है कुछ नहीं यानी वन है तो वन माइनस में अल्फा। और ये क्या बता रहा है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स बता रहे क्या बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है क्या बता रहा है ये नंबर ऑफ मोल्स। ये है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और ये है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये जो आई है आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। I किस पे इक्वल होता है इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा वन माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा। सोल्यूट है ये जो ए है इसके नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या रहेगा वन माइनस अल्फा और इसके ये एन अल्फा ऐड कर दोगे वो क्या जाएगा आई आ जाएगा ठीक है। अब इसको सोल्व करते कैसे सोल्व करें क्या मैं इसको लिख दू
कि इस आई को यहां ले जाओ और इन चीजों को यहां ले, आई को यहां ले जाऊंगा तो प्लस से हो जाएगा माइनस, तो वन माइनस अल्फा, और इन अल्फा वाली टर्म्स को यहां ले आओ तो ये माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा। ओके, ये प्लस एन एन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस एन अल्फा, ठीक है ना। ओके, या फिर ये काम करो, क्या काम करोगे, इस वन को यहां ले आओ यार, सिंपल सी बात। तो क्या हो जाएगा, आई माइनस वन इज इक्वल टू, ये क्या है एन अल्फा प्लस का, ये माइनस अल्फा, तो अल्फा कॉमन ले लो प्लस का, तो अंदर क्या बचेगा एन माइनस में वन, पक्का। तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में यहां पे आके डिवाइड में आई माइनस वन अपॉन एन माइनस में वन। तो ये रिलेशन आ गया अल्फा के बीच में और आई के बीच में, कहानी क्लियर है। अब देखो मान लो क्या मानो, इफ अल्फा इज 100%, अगर डिसोसिएशन है 100% हो रहा है सॉल्यूट का, तो अल्फा 100% होने का मतलब मींस अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। परसेंट का मतलब क्या होता है, पर यानी डिवाइड, देखो ये तो बात तो चलो आपको पता ही होगी, 100% का मतलब पर यानी डिवाइड, सेंट यानी 100, कितना आया, 1 आया। अल्फा 100% होने का मतलब अल्फा कितना है, 1 है। ओके, अब अगर अल्फा 1 है और हमने ले लिया मान लो NaCl ले लिया, और NaCl डिसोसिएट होने के बाद क्या दे रहा है, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, तो N कितना हुआ, 2 हुआ, कितना हुआ 2, तो हमारा फिर I कितना हो जाएगा, I, तो यहां से निकाल के देखते हैं, तो I क्या है, I है आपका कितना, 1 माइनस अल्फा प्लस में N अल्फा, 1 माइनस अल्फा कितना है, 1 है, 100% है, प्लस में N का वैल्यू यहां पर कितना है, 2, और अल्फा कितना है, 1, तो 1 माइनस 1 चला गया, क्या बचा, 2 इंटू 1 2, तो I का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब अगर अल्फा 100% हो, अगर अल्फा 100% हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो, तो जो वेट ऑफ फैक्टर है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस। अगर MgCl2 है और अल्फा 100% है, MgCl2 में कितने आयन बनेंगे, 3, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहानी समझ गए, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये एक तो ये चीज था। अब एक बात और है कि मान लो अल्फा 100% नहीं है, मान लो अल्फा मिनिमम, मान लो कितना, मान लो 1% मान लो, ओनली 1% का मतलब क्या हो गया, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया आपका, अल्फा बहुत ही कम ले रहा हूं मैं, ठीक है। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1%, 1% का मतलब क्या है, 1/100 यानी 0.01 अल्फा की वैल्यू होगी, 0.01, समझ गए, ये हुआ। तो आई कितना होगा, तो फिर आई इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा है, 1 माइनस अल्फा कितना है, 0.01 प्लस में एन, NaCl का केस ले लेते हैं, मान लो ठीक है, हालांकि NaCl में 1% अल्फा नहीं होता, ज्यादा होता है, लगभग 100% होता, लेकिन एक बार मान लो, अज्यूम करने में क्या जाता है, ठीक है, तो एन कितना है, 2 है, इंटू में अल्फा कितना है, 0.01 है। अब देखो 2 को 0.01 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0.02, एंड 0.02 माइनस 0.01 कितना आया, 0.01, वो 0.01 1 में ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1.01, तो आपका आई कितना आ गया, 1.01 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि अल्फा चाहे 1% हो, चाहे 10% हो, चाहे 50% हो, चाहे 100% हो, आई का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है, कब, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से हमेशा ज्यादा होगा, चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिर्फ 1% ही क्यों ना हो, जानी समझ रहे हो, तो आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है इन केस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। ओके, चले आगे, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, चलो तो ये आपके आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस में 1। अब आगे चलते हैं किसमें, वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ किसमें, एसोसिएशन, किसमें, एसोसिएशन, ठीक है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं, क्लियर है, चलो मिटा दो इसको, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको ये। चलिए हाँ जी, अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो देखो मान लो एसिटिक एसिड है या बेंजोइक एसिड ले सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH,
ठीक है, दूसरा CH3। एक बार अगर C डबल बॉन्ड ऊपर लिया है तो दूसरी बार C डबल बॉन्ड O कहां लेंगे, नीचे लेंगे, तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O O H। अब देखो यहां पर इस एसिटिक एसिड को अगर हम लोग बेंजीन में डालें, बेंजीन सॉल्वेंट ले लिया वहां पर, तो यहां पर क्या हो जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो देखा ना हाइड्रोजन किसके बीच में आ रहा है, दो ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, और यहां पर ये क्या बन गया, डाइमर बन गया, क्या बन गया, डाइमर, क्लियर है। यानी यहां पर क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर एसोसिएशन, क्लियर है। अब देखो इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स थे वो कितने मॉलिक्यूल बन गए, एक बन गया। अगर टाइमर होता तो तीन मॉलिक्यूल एक बन जाते, टेट्रामर में चार एक बन जाते, पेंटामर में पांच मॉलिक्यूल्स एक बन जाते। कहने का मतलब है कि एन ए, यहां पर एन का वैल्यू कितना है, दो, यानी दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, अब कितना मॉलिक्यूल बन गया, एक, यानी बी, समझ गए, एन इज इक्वल टू क्या है, बी। तो क्या इस एन को यहां ले जाओ तो डिवाइड में नहीं हो जाएगा क्या, तो ए क्या देगा, बी अपॉन में ए क्या देगा, बी अपॉन है। अब देखो व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, मान लो इसके नंबर ऑफ मोल वन थे और ये तो एसोसिएशन हुआ ही नहीं, जीरो था। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद क्या है कि मान लो कितना पार्ट एसोसिएट हो गया, मान लो अल्फा पार्ट एसोसिएट हो गया, तो ये क्या बचा, ये बचा आपके पास, ये क्या बना, अल्फा अपॉन में क्या है, एन, तो फिर ये क्या बचा, वन माइनस, आगे क्या है, कुछ नहीं, यानी वन है, तो वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा बाय अनुमत कर देना, इक्विलिब्रियम पढ़ा ना आप लोगों ने, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें डिटेल में पढ़ी होगी सारी चीजें, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ी है तो इक्विलिब्रियम आने वाला है थोड़े दिनों के बाद, करेंगे हम लोग। तो ये 1 माइनस अल्फा और ये क्या रह गया, अल्फा बाय में एन, तो आई है वो क्या हो जाएगा, सम टोटल, ये सारे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये थे नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, ये है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो आई क्या है, सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इनको ऐड कर दो, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय में एन, कहानी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब एक काम करो, क्या काम करोगे, इस आई को यहां पर लेके आते हैं, एक बार इस आई को, ये वन को यहां पर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस वन इज इक्वल टू, अब इनमें कॉमन क्या आ गया, अल्फा, अंदर क्या बचा, वन बाय एन प्लस वन टर्म पहले लिख दू, यहां पर क्या बचा, अल्फा कॉमन ले लिया तो वन बचा, यानी माइनस वन, क्लियर है, ओके। तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू ये वाली रकम, ये वाली वैल्यू जो भी टर्म है इसको यहां पर ले, डिवाइड में हो जाएगा, यानी आई माइनस वन अपॉन 1 बाय एन माइनस में 1, तो ये आपके पास आ गया अल्फा, ठीक है। इन केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन आई, ये अल्फा किसके इक्वल आता है, आई माइनस 1 अपॉन 1 बाय एन माइनस 1, समझ गए नहीं। अब दो केस लेते हैं, पहला केस कौन सा लें, ठीक है, इफ अल्फा इज 100%, अगर अल्फा 100% हो जाए, यानी मींस अल्फा कितना हो जाए, 1 हो जाए, यानी एसोसिएशन 100% है, तो ये I किसके इक्वल होगा, फिर उस केस में I निकालना है, तो ये देखो यहां से I निकाले, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा कितना है, 1, प्लस में अल्फा बाय n, अल्फा कितना है, 1 बाय में n। अब अगर मैं यही एग्जांपल ले लूं तो यहां पे n का वैल्यू कितना है, 2 है, दो मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के वो डायमराइज हुए, तो n का वैल्यू कितना है, 2, तो यहां पे n का वैल्यू 2 आ गया, तो 1 माइनस 1 चला गया, तो कितना बचा, 1 बाय 2, तो i का वैल्यू आ गया 1 बाय 2, यानी 0.5, यानी अगर मैं 100% भी लेता हूं अल्फा, तो i का वैल्यू 0.5 आता है अगर डाइमर बनता है तो, और डाइमर बनेगा तो ये वैल्यू आएगा 1 बाय 3, यानी 0.33, टेट्रामर है तो 1 बाय 4, 0.25, पेंटामर है तो 1 बाय 5, यानी 0.2। कहने का मतलब है आई का वैल्यू इन केस ऑफ एसोसिएशन 1 से क्या आता है, लेस आता है। चलो दूसरा केस ले लेते हैं, केस नंबर 2, क्या लिखो, इफ अल्फा इज 1%, सिर्फ 1%, यानी नाम मात्र का एसोसिएशन हुआ है, बहुत ही वीक था ये, तो 1% एसोसिएशन हुआ, 1% एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, 1% यानी अपॉन 100, 1 बाय 100 यानी 0.01, ये है, तो आई किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस में, 1 माइनस के अल्फा, अल्फा कितना है 0.01, प्लस में
अल्फा बाय एन, अल्फा कितना है 0.01 बाय एन, एन का वैल्यू कितना है यहां पे 2, यही तो आया। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, यह आएगा आई माइनस 0.01 प्लस 0.01 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.005, यही तो आएगा। अब देखो माइनस 0.01 प्लस 0.05 तो ये वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस 0.005 आ जाएगी, ठीक है। तो कितना आएगा 10 में से 5 गए 5, 9 9 तो ये वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू 0.995। इसका मतलब अगर मैं अल्फा नाम मात्र का ले लूं 1% ही ले लूं तो आई कितना आता है 0.995 आता है, 1 नहीं आया अभी भी। इसका मतलब इन केस ऑफ एसोसिएशन आई है इसका वैल्यू 1 से हमेशा क्या रहेगा लेस रहेगा, इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज ऑलवेज लेस देन 1। कहानी समझ गए, कोई इशू नहीं है ना। तो ये बात पर क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर में रिलेशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर में रिलेशन। अब आई हमको समझ आ गया, अब ये समझ आ गया तो उसके बाद अगर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कुछ एक क्वेश्चन करें तो हमारे बड़े क्लियर होंगे पक्का। तो इसको उतार लीजिए और उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कुछ एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं।